नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हल्का। गोपालगंज जिले में 9 साल के एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने महज 6 महीने में सुनवाई पूरी कर फांसी की सजा सुना दी है। सजा सुनाए जाने के बाद युवक को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट के फैसले की हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल दुष्कर्म के आरोपी जय किशोर शाह ने 25 अगस्त 2020 को सिद्धवलिया थाने में एक गांव की 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। उसी आरोपी ने रेप करने के बाद किशोरी की हत्या भी कर दी और सब को बक्से में बंद कर छज्जा पर रख दिया। दरवाजे में ताला बंद कर फरार हो गया। काफी छानबीन के बाद घर का ताला तोड़ने पर बच्ची का शव बरामद किया गया था। दरोगा से स्पेशल पीपी पक्षो सिद्धवलिया कांड संख्या 187-20 मुदाला जय किशोर शाह को 25 दिन के अंदर आरोप गठन के आरोप गठन से फांसी की सजाए बलेंद्र शुक्ला स्पेशल जज पास से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं। जी आशुतोष, गोपालगंज में बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है, क्या है पूरा मामला? इधर सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव के यहाँ एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद उसके शव को छिपाने के लिए छज्जा रख दिया गया। काफी खोजबीन करने के बाद ग्रामीणों द्वारा शव को बरामद किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कांड दर्ज करते हुए हत्या और पास्को के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद 25 दिनों के अंदर ही न्यायालय के द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गई। अभिनव पक्ष के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि 25 दिन के अंदर सुनवाई तय करने के बाद फांसी की सजा हुई है, जिसे परिजनों ने काफी खुशी जाहिर की है। जी आशुतोष, फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद वहां का माहौल कैसा है? जी फांसी सुनाए जाने के बाद जो परिजन है, परिजनों गांव में खुशी की लहर है। जो भी हर किसी के मुंह सुनने को मिल रहा है कि कोर्ट के द्वारा सराहनीय कदम उठाया गया है। इस तरह के कदम उठाने से जो भी लोग ऐसे इस तरह की घटनाएं करते हैं उनके अंदर डर पैदा होगी और इस तरह की घटनाएं रुकेगी। जी आशुतोष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।